बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मदर व्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैंने विज़िट किया है एक शॉप का, जहाँ पे उनके पास बच्चों के प्ले स्टेशन, बच्चों की सीडी प्लेस जो हैं, इसके अलावा इनके पास वॉचेस भी हैं, और जनाब इनके पास जो है डेकोरेशन आइटम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये आपको मैं शॉप का व्यू करवा रही हूँ। यहाँ पे इनके पास ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 199 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, यानी इनके पास ये स्टफ़ टॉयज़ भी हैं, और जनाब ये स्टफ़ टॉयज हैं, ये बाय वन गेट वन में है। ये देखिए, इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस भी हैं इनके पास, डेकोरेशन आइटम, बर्थडे आइटम, बर्थडे कैंडल, और ये देखिए जी डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें हैं। और ये सेक्शन है जनाब बच्चों के प्ले स्टेशन और उससे रिलेटेड सामान का, और जो न्यू गेम्स की सीडीज़ हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनके पास रिपेयरिंग लैब है, जहाँ पे प्ले स्टेशन और इस तरह की चीज़ें अगर ख़राब हो जाएं तो वो रिपेयर भी हो सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इस स्टोर के जो ऑनर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिब्रान मजीद है। अच्छा जी भाईजान, आपकी शॉप पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं? हमारी शॉप कोहिनूर सेंटर पॉइंट में है, और इस एरिया के लिहाज से हमने हर तरह की चीज़ शॉप में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन मेन हमारा काम गेम्स का है, गेमिंग का है। ये घरों में बच्चे प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और ये निंटेंडो स्विच वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब छुट्टियां होती हैं इनमें ये ज़्यादा इसी के ऊपर तवज्जो होती है बच्चों की, तो ये इंटरटेनमेंट भी है। इसमें इस तरह की गेम्स भी हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें बच्चा खुद फिज़िकली खेल सकता है, मतलब कि स्क्रीन के सामने जो वो जंप लगाएगा, अंदर हीरो भी जंप लगाएगा, बैठेगा वो बैठेगा, लेटेगा लेटेगा, इस तरह की गेम्स भी हमारे पास मौजूद है, यानी एक्सरसाइज के मुतल्लिक भी चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी, जो आपके पास प्ले स्टेशन वगैरह हैं वो ज़रा मुझे दिखाएं कि वो किस तरह के प्ले स्टेशन हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या है। ये हमारे पास प्ले स्टेशन 2 है, ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश में नहीं आता, अब ख़त्म हो गया, ये यूज़ में आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 7500 है, और एक साल की इसकी वारंटी है। इसके अंदर गेम्स वगैरह, यूएसबी मेमोरी कार्ड, कंट्रोलर, केबले शेबले, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ये इसका कंट्रोलर है, ठीक है। डिवाइस है जिसको हम प्ले स्टेशन 2 बोलते हैं, इसके साथ मेमोरी कार्ड, यूएसबी और ये केबले शेबले सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने टीवी के साथ इसको अटैच करें और ऑन कर दें, एक साल इसकी वारंटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी बताई है? ये 7500 का सर, 7500 रुपये का। ये यहाँ से शुरू हो जाती है गेम जी। बस ये 7500 का है, सोनी कंपनी की, ये सोनी कंपनी का है, ये आप देखें। फिर इसके बाद सोनी का प्ले स्टेशन 3 आ जाता है, वो भी नया नहीं आता, यूज़ में आता है, यानी ब्रांड होता है वो, ठीक है। वो मिलेगा 16000 रुपये से शुरू हो जाता है, वो 16 से 24000 रुपये तक चला जाता है। मुख्तलिफ उसमें यानी कि शक्ल और मेमोरी के लिहाज से उनका रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें पड़ी हैं ये कौन सी हैं? ये भी मैं बताता हूँ। इसके अलावा फिर एक्सबॉक्स आ जाता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है, ये 22000 का होता है, इसकी 6 मंथ वारंटी होती है। इसी में इससे थोड़ा सा पुराना मॉडल मिल जाएगा, वो जो है वो इस शक्ल में होता है, वो भी डब्बा पैक मिल जाएगा, यानी आते ये सारे यूज़ वैरायटी होती है, नई नहीं होती। ये चीज़ आपको जो है ये पैक होके तो ये 18000 रुपये में मिलेगी, ठीक है। इसकी भी 6 मंथ वारंटी होती है, 6 मंथ। ये ज़रा दिखाएँ इसको, ये आप अगर उस भी उधर व्यू ले जाएं तो ये ही चल रहा है ये, और ये नीचे वो डिवाइस पड़ी है, ये एक्सबॉक्स में इधर प्ले किया हुआ। अच्छा, ये जो प्ले स्टेशन ये वाला आपने दिखाया है,
यही वाला है जो चल रहा है, चल रहा है। ठीक है जी, इसकी ये देखें जी, ये चल रहा है, ये इसकी हार्ड डिस्क है, सप्लाई वगैरह सारा कुछ इसका मुकम्मल, 6 मंथ वारंटी होती है, और इसके अंदर कोई 35 से 40 गेमें कॉपी करके देंगे शुरू में, ठीक है, उसके बाद भी इसमें कॉपी और डिलीट हो सकती हैं। इसकी मेमोरी 250 GB से 320 GB होती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ देंगे मुकम्मल मुकम्मल डब्बा बैग, जिस तरह मैंने सबसे पहली गेम दिखाई है आपको प्लेयर से तो उसी तरह इसकी भी इसी तरह डब्बा मुकम्मल ये सारा कुछ होता है, ठीक है। और इसकी कीमत कितनी है? ये 18,000 रुपये का, 18,000 रुपये का। अच्छा, इसके अलावा लेटेस्ट कौन सा होता है? इसके बाद फिर लेटेस्ट में आ जाता है, अगर यूथ में लेना तो एक्सबॉक्स वन होता है ये, ठीक है, ये एक्सबॉक्स वन के साथ भी यही सारा कुछ मिलता है, 500 GB इसकी मेमोरी होती है, ठीक है, लेकिन ये है कि इसके अंदर गेम्स कॉपी वाला ऑप्शन अभी मौजूद नहीं है, वो ज़रा कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन ये है कि मुमकिन है नामुमकिन नहीं है, ये 35,000 से शुरू होता है यूथ में। अच्छा, ये वाले जो रैक में लगे हुए हैं ये कौन कौन सी कंपनी के हैं? ये वाला वो जो मैंने शुरू में डब्बा दिखाया ये वाला, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है, ये इसी चीज़ को दोबारा रीपेंट करके पैक किया जाता है क्योंकि ये नया नहीं आता, ठीक है, अगर नया लेना है तो प्ले स्टेशन 4 मिल जाएगा, एक्सबॉक्स 1 मिल जाएगा, 1S मिल जाएगा, X मिल जाएगा, ठीक है, और PS5 भी अब आ चुका। अच्छा, वैसे ये कहाँ के बने होते हैं? ये सारे तो इनके ऊपर स्टैंप मेड इन चाइना लिखी होती है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट से मराज इस कंपनी ने पीसी बनाया, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जितना भी है वो माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, ये इस पे लिखा हुआ है USA? हाँ जी, लिखा होता है लेकिन मेड इन चाइना, सारी मेड इन चाइना बनता, मेड फैक्ट्री मेड इन चाइना में लगी है इसलिए ऊपर स्टैंप जरूर लगती है उनकी, लेकिन मेड इन वो USA का इनके जो है ना सॉफ्टवेयर पर चेंजिंग होती है। सही। अच्छा जी, इसके अलावा जो नई CD गेम्स आती हैं बच्चों की, वो आपके पास कौन कौन सी ये पड़ी हुई हैं ये भी ज़रा दिखाएं, बता दें। इसमें ये PlayStation 4 की CDs हैं, ठीक है, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी टॉप पे चल रही हैं, और ये बहुत सारी इसमें वैरायटी है, PUBG, FIFA और नीड फॉर स्पीड, माइनक्राफ्ट, ये बच्चों की जान है इस वक्त, और वॉच डॉग और रेसिंग, टेकन, GTA, ये RDR2, ये एवरी थिंग तकरीबन इस जितनी हमारी इस रैक में लग सकती थी हमने लगाई हैं, बाकी स्टॉक में पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी प्राइस क्या होती है? ये फर्ज करें ये है ना GTA टेकन 7 है, ये 3500 से शुरू होती है, ठीक है, ठीक और है। ये 38 की है, ये है, ये 55 की है, ये इसका रेट अभी नहीं लगा मेरा ख्याल है, ये 46,000 की है, ये भी इतने की है, ये FIFA 17 1000 की है। अच्छा, ये इतनी महंगी क्यों होती हैं 4,000 में? क्योंकि इनकी अभी कॉपी नहीं आई। अच्छा, ये ओरिजिनल है, जब तक ओरिजिनल है तो इसने ओरिजिनल रेट पर ही रहना है, ठीक है, ठीक है, ये कंपनी सोनी का रेट होता है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, इसके अलावा ये आपके पास जो रिपेयरिंग लैब है इसमें आप क्या क्या चीज़ें रिपेयर करते हैं? इसमें हमारे पास जितनी भी गेमिंग की आइटम है ना, ये एक्सबॉक्स खुला पड़ा है हमारे पास, ये इसके कंट्रोलर है, ये इस कंट्रोलर की किट है, तो ये इसके अलावा एवरीथिंग जो जो चीज़ गेमिंग के रिलेटेड है वो हम इधर रिपेयर करते हैं, हमारी दो दुकानें हैं, दूसरी शॉप पे तो एवरीथिंग हर चीज़ ही रिपेयर हो जाती है, ठीक है, ठीक लेकिन इधर हमारे पास जगह थोड़ी है इसलिए सिर्फ गेमिंग का हमने फिलहाल किया, ठीक है, यानी किसी किस्म का भी जो प्ले स्टेशन है कोई वो एक्सबॉक्स जो ख़राब हो जाए तो वो आप रिपेयर कर देते हैं? सारी बात है, 18,000 रुपये का, 20,000 का जिसने कोई चीज़ लेनी है उसकी रिपेयरिंग भी तो निकलनी है तो वो 200-400-500 ऊपर लग के वो ठीक हो जाते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये जो है इनके, हाँ जी, ये कंट्रोलर है, ये रिपेयर करके हमने कस्टमर्स के रखे हुए हैं, ये अच्छा, ये भी रिपेयर हो जाते हैं? हाँ जी, ये भी रिपेयर हो जाते हैं। तो वैसे ये नॉर्मली इसमें खराबी क्या आती है? इसमें खराबी आती है ये जो इनके एनालॉग है ना ये वाली चीज, ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये इनके माउस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जब काफी यूज होने के बाद, ठीक है, अच्छा, काफ़ी यूज़ होने के बाद इनमें प्रॉब्लम आती रहती है, और अक्सर बच्चे इसलिए ख़राब करते हैं कि लड़ते हैं आपस में कि मैंने खेलना और एक दूसरे से खींचते छीनते तो ये फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या गिरते हैं या गीले हाथों से वो बच्चे जल्दबाजी में जो है ना इसको लगाते हैं, ख़राब होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये सारी वायर्स जो हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है? ये वायर्स तो रिपेयरिंग के मुतलक है, लेकिन हर किस्म की केबल, मोबाइल आइटम, मोबाइल की केबल और इस गेमिंग के मुतलक हर किस्म की केबल हमारे पास मौजूद है। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये इनकी लैब में हर तरह का ये रिपेयरिंग का सामान है, ये बहुत सारे पुराने प्ले स्टेशन कुछ कस्टमर्स के रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, ये आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी छोटी लैब भी नहीं है, काफ़ी बड़ी है,
और ये देखे कितना सामान इनका बिखरा पड़ा है, और ये सारा यहाँ पे रिपेयरिंग का काम। आई थिंक कोहिनूर में मेरा ख्याल शायद वाहिद यही शॉप है जो ये प्ले स्टेशन वगैरह का जिनका काम है और जिनकी रिपेयरिंग लैब है। मैंने इस शॉप की वीडियो पहले भी बनाई है, वो आप मेरी जो है प्लेलिस्ट उसमें भी देख सकते हैं। इनके पास चूँकि बहुत सारी नई वैरायटी की चीज़ें आती रहती हैं, और फिर लोगों की फरमाइश पर ही मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई है। तो जनाब कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मेरे चैनल मदर विला को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।